साल था 2004 और इंडियन सिनेमा में एक ऐसी मूवी रिलीज होती है जिससे मोटरसाइकिल इंडस्ट्री को काफी पुश मिलता है। ये मूवी थी धूम। धूम अपने टाइम की एक हिट मूवी रही अपने यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए और उस टाइम का यूथ इस मूवी से काफी इंस्पायर हुआ, रॉबरी के लिए नहीं बाइक्स के लिए। बस फिर क्या था, बाइक्स का नशा हर लड़के के सर चढ़ चुका था, वो भी परफॉर्मेंस बाइक ड्यूल साइलेंसर 9 से लोडेड। जबकि इससे पहले हमें इंडियन रोड्स पर सिर्फ 100 सीसी वाली बाइक्स ही देखने को मिला करती थी क्योंकि उस टाइम मिडिल क्लास इंडियन बाइक्स को जरूरत के हिसाब से लिया करता था। पर यहां से लोग बाइक को शौक के लिए खरीदने लगे और शुरुआत हुई एक नए एरा की। फिर कई सारी फॉरेन कंपनीज ने अपनी परफॉर्मेंस बाइक स्पोर्ट्स बाइक इंडिया में लॉन्च की जो कि एवरेज इंडियन अफोर्ड कर सके और आज हम बैठे हैं 2024 में। आज मैं अगर इंटरनेट पे सर्च करूं टॉप 10 बाइक्स तो ऑलमोस्ट 50 से ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं इन डिफरेंट सेगमेंट्स। तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं टॉप 10 स्पोर्ट्स बाइक की लिस्ट जिनकी हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, कौन सी बाइक तुम्हें लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बट आई एम श्योर एंड तक मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है बजाज पल्सर N250। ये बाइक लॉन्च हुई थी अप्रैल 10, 2024। इसका प्राइस आता है 1,50,000 एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस आपको ये पड़ेगा 1,75,000। इसमें हमें मिलता है 249.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर SOHC 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड ऑयल कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 BHP ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 21.5 न्यूटनमीटर ऑफ टॉर्क। गियर बॉक्स मिलने वाला है 5 स्पीड मैनुअल। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 44 किलोमीटर पर लीटर जबकि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि इसका माइलेज सिर्फ 36 किलोमीटर पर लीटर मिलता है। टैंक मिलता है 14 लीटर का। कर्व वेट होने वाला है 164 kg। ब्रेकिंग सिस्टम में मिलता है इसमें ड्यूल चैनल ABS। ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। अच्छी बात यह है कि ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल का हमें मैनुअल ऑप्शन मिलता है यानी कि अपने हिसाब से हम कभी भी स्विच ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसमें हमें राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि हैं रेन रोड एंड ऑफ रोड, तो डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से आप राइडिंग मोड्स चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें नेविगेटर मिलता है, GPS, USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है और हेडलाइट इसमें हमें मिलती है प्रोजेक्टर हेडलैम्प विद DRL, मतलब बहुत ही प्यारी और बहुत ही पावरफुल ये लाइट होने वाली है। इस सेगमेंट में प्रोजेक्टर हेडलाइट किसी और बाइक में नहीं मिलती है तो ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मिलता है USD टेलीस्कोपिक फोक, रियर में मिलता है मोनोशॉक नाइट्रॉक्स, तो एक अच्छा सस्पेंशन है। क्विक शिफ्टर मिलता है इसमें हमें जस्ट बिकॉज इसमें मिलता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच। टॉप स्पीड इस बाइक की होने वाली है 128 किलोमीटर पर आवर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें डिजिटल मिलता है जो कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से भी कंट्रोल होता है। टायर साइज होने वाला है 100x80R17। रियर टायर साइज होने वाला है 130x70R17। ओवरऑल ये बहुत ही जबरदस्त बाइक है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये बाइक लेटेस्ट टेक्स एंड फीचर से लोडेड है। 250 सीसी का इंजन गुड अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है जो कि ओवरटेकिंग को काफी इजी बना देता है। इसकी राइड काफी कंफर्टेबल होने वाली है इन सिटी एज वेल एज ऑन हाईवेज। माइलेज भी अच्छा है और स्टाइलिंग भी काफी डीमन इसकी स्टाइलिंग है। लुक्स इसके काफी अग्रेसिव एंड शार्प है। सबसे जो इसका मतलब नोट किया जाने वाला फीचर है ना वो है मैनुअल कंट्रोल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल एज वेल एज ABS, तो मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज दी है कंपनी ने इस प्राइस पॉइंट पे। सेकेंड नंबर पर आती है यामाहा MT-15 V2। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2023 में। प्राइस होने वाला है 1,69,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड आपको ये पड़ेगा 1,96,000। इसमें हमें मिलता है 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वेल्व SOHC इंजन। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है, मींस काफी लॉन्ग राइड वन सिटिंग में की जा सकती है। और ये इंजन जनरेट करता है 18.1 BHP ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 14.1 न्यूटनमीटर ऑफ टॉर्क। गियर बॉक्स इसमें मिलता है 6 स्पीड मैनुअल। माइलेज इसका कस्टमर रिपोर्ट करते हैं 48 किलोमीटर पर लीटर, तो माइलेज मतलब बहुत अच्छा है अगर ये माइलेज रियल है तो। टॉप स्पीड इसकी होने वाली है 130 किलोमीटर पर आवर। टैंक मिलता है 10 लीटर का। कर्व वेट होने वाला है 141 kg, मतलब काफी लाइट ये बाइक है। ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 170 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें डिजिटल मिलता है। ब्रेकिंग में वही ड्यूल चैनल ABS। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS ऑटोमेटिक है, इसमें मैनुअली नहीं मिलते हैं। USB चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। नेविगेशन नहीं मिलता है। ब्लूटूथ हाँ मिलता है थ्रू यामाहा कनेक्ट ऐप। राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं। क्विक शिफ्टर मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें फ्रंट सस्पेंशन में मिलता है अपसाइड डाउन फोक। रियर में मिलता है लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन। टायर साइज होने वाला है 100x80R17। रियर में मिलता है 140x70R17। ओवरऑल बाइक ठीक है, लुक्स भी अच्छे हैं, डिजाइन भी अच्छा है बट थोड़ा सा कंफर्ट के मामले में बाइक पीछे रह जाती है इन टर्म्स ऑफ राइडर एंड पिलियन कंफर्ट।
परफॉर्मेंस एवरेज ही कहूँगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुई है पल्सर N250 उसकी परफॉर्मेंस इससे काफी बेटर है इन टर्म्स ऑफ पावर परफॉर्मेंस कंफर्ट, इससे उस बाइक की काफी बेटर है और उसका प्राइस इससे थोड़ा सा कम भी है। ओवरऑल यही कहूंगा थोड़ी सी ओवर प्राइस ये बाइक है। नंबर 3 पे आती है बजाज पल्सर RS 200। इस बाइक का प्राइस है 1,72,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड इस बाइक का प्राइस होने वाला है 2,04,000। इसमें हमें मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर ट्रिपल स्पार्क प्लग 4 वेल्व DTSI लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.5 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 18.7 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स मिलता है 6 स्पीड मैनुअल। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 35 किलोमीटर पर लीटर। इस बाइक की टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। जस्ट बिकॉज इसमें 4 वेल्व इंजन मिलता है और ट्रिपल स्पार्क प्लग है, मतलब इंजन में इनफ पावर है इस स्पीड के लिए। टैंक मिलता है 13 लीटर का और वेट होने वाला है 166 kg। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 157 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें डिजिटल मिलने वाला है। ट्रैक्शन कंट्रोल एन ABS ऑटोमेटिक है, मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलता है। USB नेविगेशन, राइडिंग मोड्स, ब्लूटूथ, क्विक शिफ्टर ये इस बाइक में नहीं मिलते हैं। पर जो 2024 के दिसंबर में इसका न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है, अपडेट्स आ रहे हैं उसमें हमें सारे लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसमें सस्पेंशन हमें फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक, रियर में मिलता है मोनोशॉक। टायर साइज है 100x80 R17। रियर टायर साइज है 130x70 R17। ओवरऑल ये बाइक काफी आउटडेटेड है क्योंकि काफी टाइम से इसमें कोई और अपग्रेड आया नहीं है, पर कुछ अपडेट्स आ रहे हैं कि दिसंबर 2024 में इसका न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है, तो आई होप कि हमें लेटेस्ट टेक एंड फीचर्स उस बाइक में देखने को मिले। ऑनेस्टली बोलूं तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक बाइक रही है, जस्ट बिकॉज इसकी कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग बहुत खराब थी। इवन इस बाइक के काफी क्रैश भी हुए हैं और 2 क्रैश तो मेरे अपनी आंखों के सामने हुए हैं। कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया कि हाई स्पीड पे ब्रेकिंग करने से इसका फ्रंट अलॉय फेल हो जाता है और वो रिजल्ट करता है इन क्रैश। सीटिंग भी इसकी काफी स्टिफ थी और काफी अनकंफर्टेबल ये बाइक थी। परफॉर्मेंस इस बाइक की बहुत जबरदस्त थी, तो अगर आप RS 200 के फैन हैं तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, 2000 एंडिंग में इसका न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है। देखते हैं क्या अपडेट्स इस बाइक में हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 4 पे आती है हीरो करिश्मा XMR। इस बाइक का प्राइस होने वाला है 1,80,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड इसका प्राइस आपको पड़ने वाला है 2,10,000। इसमें हमें मिलता है 210cc का 4 वेल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOHC इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 25.5 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 20.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स मिलता है 6 स्पीड मैनुअल। माइलेज मिलता है 35 किलोमीटर पर लीटर। फ्यूल टैंक मिलता है 11 लीटर का। कर्व वेट होने वाला है 163.5 kg। टॉप स्पीड इस बाइक की होने वाली है 147 किलोमीटर पर आवर। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 160 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल मिलने वाला है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। ब्रेकिंग सिस्टम मिलने वाला है ड्यूल चैनल ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, बट ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही मैनुअली ऑपरेटेड नहीं मिलते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से स्विच ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है। नेविगेशन सिस्टम मिलता है टर्न बाय टर्न। राइडिंग मोड्स इसमें हमें नहीं मिलते हैं। क्विक शिफ्टर भी नहीं मिलता है। फ्रंट सस्पेंशन में मिलने वाला है टेलीस्कोपिक फोक विद एंटी फ्रिक्शन बुश। रियर सस्पेंशन की बात करें तो वो होने वाला है गैस चार्ज मोनोशॉक 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी। फ्रंट टायर साइज होने वाला है 100x80 R17। रियर टायर में मिलता है 140x70 R17। ओवरऑल डिजाइन काफी मॉडर्न है, लुक्स भी अच्छे हैं, पावर आउटपुट भी ओके है, कंट्रोलिंग एंड हैंडलिंग तो मतलब अच्छी है इस बाइक की, एंड 210cc का इंजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस आउटपुट देता है। बट फ्रंट सस्पेंशन इसमें आई थिंक अपसाइड डाउन होना चाहिए था, क्योंकि ये सस्पेंशन इतना सॉफ्ट है कि शार्प पॉथ होल्स एंड सडन इंपैक्ट पे इसका जो वाइजर वाला पार्ट है वो मड गार्ड पे लगता है। बट ओवरऑल कहूँ तो मतलब अभी पल्सर N250 के अकॉर्डिंग ये बाइक थोड़ी सी आउटडेटेड है। नंबर 5 पर आती है बजाज डोमिनार 250। ये बाइक लॉन्च हुई थी मार्च 11, 2020। इस बाइक का प्राइस होने वाला है 1,80,000 एक्स शोरूम और ये ऑन रोड आपको पड़ेगा 2,11,000। इसमें हमें मिलता है 248.77 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वेल्व DOHC लिक्विड कूल्ड ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 27 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 23.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स मिलता है 6 स्पीड मैनुअल विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच। माइलेज होने वाला है 32 किलोमीटर पर लीटर। टैंक कैपेसिटी मिलती है 13 लीटर। इस बाइक की टॉप स्पीड होने वाली है 132 किलोमीटर पर आवर। कर्व वेट होने वाला है 180 kg, थोड़ी सी हैवी बाइक है ये। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 157 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें मिलता है डिजिटल कंसोल। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम में ड्यूल चैनल ABS ट्रैक्शन कंट्रोल, बट ये दोनों ही मैनुअल कंट्रोल नहीं मिलते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आप अपने हिसाब से स्विच नहीं कर सकते हैं।
यूएसबी पोर्ट नहीं मिलता है, बट डोमिनार 400 में आता है। नेविगेशन सिस्टम, राइडिंग मोड्स इसमें नहीं मिलते हैं। सस्पेंशन में मिलता है हमें टेलीस्कोपिक यूएसडी फोक्स। रियर सस्पेंशन में मिलता है मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक विद नाइट रॉक्स। टायर साइज की बात करें तो टायर साइज इसमें फ्रंट में मिलता है 100x80R17, रियर में मिलता है 130x70R17। ओवरऑल यार मतलब ये डोमिनार 400 का यंगर सिबलिंग है। लुक्स, डिजाइन, बॉडी लाइन लगभग सब डोमिनार 400 से सिमिलर ही है। पावर ऑब्वियसली मतलब डोमिनार 400 से कम ही रहेगी। बेसिकली ये बाइक उन लोगों के लिए बनाई गई थी जिनको 400cc से थोड़े से नीचे सेगमेंट में बाइक चाहिए थी विद सेम लुक्स, जिससे माइलेज थोड़ा सा ज्यादा मिल सके। जिस बिकॉज इसकी राइड क्वालिटी काफी कंफर्टेबल है और ये लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत ही अच्छी बाइक है। लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में 250cc का इंजन काफी अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करता है। वेट थोड़ा सा बस हैवियर साइड पे है। एंड आई थिंक न्यू मॉडल में इसमें जो लेटेस्ट टेक एंड फीचर्स हैं वो आ जाएंगे। फिलहाल ये थोड़ी सी आउटडेटेड है क्योंकि काफी टाइम से इसका कोई अपग्रेड भी नहीं आया है। फिलहाल न्यू मॉडल का वेट कर सकते हैं अगर आप डोमिनार में जाना चाहते हैं। 6 नंबर पर आती है यामाहा R15 V4। इस बाइक का स्टार्टिंग प्राइस है 1,83,000 एक्स शोरूम और इस बाइक का टॉप मॉडल जो कि कार्बन फाइबर एडिशन वो मिलने वाला है 2,10,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड इसका बेस मॉडल आपको पड़ेगा 2,16,000 का। इसमें हमें मिलता है 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOHC इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 18.1 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स मिलता है 6 स्पीड मैनुअल। इसका माइलेज कंपनी क्लेम करती है 51.4 किलोमीटर पर लीटर। मीनवाइल कस्टमर बताते हैं 45 का ही माइलेज देती है। टैंक मिलने वाला है 11 लीटर्स का। इस बाइक की टॉप स्पीड होने वाली है 140 किलोमीटर पर आवर। कस्टमर ने कई बार वीडियोस एंड ये सब चीजें वायरल भी हुई हैं कि इसकी स्पीड 150 से अबव जाती है, लेकिन काफी बार देखा गया है कि इसका मीटर भी डिफॉल्ट ही रहता है। कर्व वेट होने वाला है 141 kg, यानी कि MT के ऑलमोस्ट इसका वेट सेम ही है। काफी लाइट वेट ये स्पोर्ट्स बाइक है। ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 170 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें डिजिटल मिलने वाला है जबकि TFT स्क्रीन मिलती है टॉप एंड वेरिएंट में। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS इसमें मैनुअली कंट्रोल्ड नहीं मिलते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक ही मिलेंगे। इसमें हमें राइडिंग मोड्स मिलने वाले हैं, पहला है ट्रैक एंड सेकंड है स्ट्रीट। USB चार्जिंग पोर्ट इसमें ऑप्शनल है, मतलब आप लगवा सकते हैं अलग से। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें मिलती है। नेविगेशन इसमें टर्न बाय टर्न मिलता है थ्रू वाई कनेक्ट ऐप। क्विक शिफ्टर तो इसमें नहीं मिलता है लेकिन इसके गियर काफी स्मूथ रहते हैं। फ्रंट सस्पेंशन में मिलता है अपसाइड डाउन फोक्स। रियर सस्पेंशन में मिलता है लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन। लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन का मतलब है इसकी कंफर्ट, स्टेबिलिटी, ट्रैक्शन, डैम्पिंग अच्छा मिलने वाला है। टायर साइज इसमें होने वाला है फ्रंट में 100x80R17, रियर में मिलता है 140x70R17। ओवरऑल काफी स्टर्निंग डिजाइनिंग एंड ग्राफिक्स क्वालिटी है। लुक्स तो मतलब हर्ट मेल्टिंग है इस बाइक के इस प्राइस पॉइंट पे। बट इन माई ओपिनियन ये बाइक थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है, जस्ट बिकॉज इसकी जो राइडिंग पोजीशन है ना वो थोड़ी सी क्राउचिंग है। थोड़ा सा ऐसे रेस ट्रैक पे तो मतलब ये बाइक सही रहेगी, बट नॉर्मल सिटी राइड्स में ये बाइक मतलब अनकंफर्टेबल होने वाली है। इतना क्राउचिंग सीट होने के बाद में लॉन्ग डिस्टेंस राइड में मतलब बहुत अनकंफर्टेबल ये बाइक हो जाएगी। पिलियन सीट मतलब बहुत हाइट पे है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल नहीं है और इसकी सर्विस कॉस्ट MT15 और V3 से भी ज्यादा है। इसका इंजन ऑयल आपको मतलब 3500 किलोमीटर पे चेंज करना होगा जबकि और बाइक्स में 4000 किलोमीटर का साइकिल तो मिलता ही है। ओवरऑल लुक्स अच्छे हैं लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ी सी ओवर प्राइस है। 7th नंबर पे आती है सुजुकी जिक्सर SF250। ये बाइक लॉन्च हुई थी 2020 में। प्राइस होने वाला है 1,94,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड ये आपको 2,19,000 के अराउंड पड़ेगी और इसका अपर वेरिएंट जो कि आता है रेस एडिशन वो है 2,08,000 एक्स शोरूम और ऑन रोड ये आपको 2,20,000 से अबव पड़ने वाला है। इसमें हमें मिलने वाला है 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड SOHC लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 26.13 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 22.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स इसमें वही 6 स्पीड मैनुअल मिलने वाला है। माइलेज इसका कंपनी क्लेम करती है 35 किलोमीटर पर लीटर जबकि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है 36 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि जितना कंपनी बता रही है ऑलमोस्ट उतना ही माइलेज जो है बाइक रियल में दे रही है। टैंक कैपेसिटी होने वाली है 12 लीटर। इस बाइक की टॉप स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। कर्व वेट होने वाला है 161 kg। ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 165 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही डिजिटल मिलता है, बाकी ब्रेकिंग सिस्टम वही ड्यूल चैनल ABS, बट आपको ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही मैनुअल कंट्रोल्ड नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिक मिलेंगे। राइडिंग मोड्स नहीं मिलते हैं। USB पोर्ट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। नेविगेशन टर्न बाय टर्न मिलता है। क्विक शिफ्टर इस बाइक में नहीं मिलता है। सस्पेंशन में नॉर्मली टेलीस्कोपिक फोक है फ्रंट में और रियर में मोनोशॉक अब्सॉर्बर। टायर साइज होने वाला है 110x70R17, रियर में मिलता है 150x60R17। ओवरऑल बाइक्स के लुक्स काफी अच्छे हैं। फर्स्ट गियर पे काफी अच्छा पिकअप भी है, इसका ओवरटेक करने में बहुत हेल्प करती है, बट इस बाइक का सस्पेंशन अच्छा नहीं है।
राइड क्वालिटी काफी स्टिफ रहती है। इसके ओनर्स ने रिपोर्ट किया है कि रिस्ट एंड शोल्डर पेन भी इस बाइक को राइड करने के बाद होते हैं। इसके स्टिफ सस्पेंशन से इसकी राइड क्वालिटी काफी बम्पी हो जाती है, लाइक स्पीड ब्रेकर्स, रोड जॉइंट्स, वहां पे आपको मतलब काफी जर्क से फील होंगे। इंसुमे क्लस्टर इस प्राइस के हिसाब से काफी आउटडेटेड है। इस बाइक का भी वही है कि 2020 के बाद कोई अपडेट्स नहीं मिले हैं। देखते हैं न्यू मॉडल में हमें अगर कुछ आता है मॉडल तो क्या अपडेट्स उसमें देखने को मिलते हैं। 8 नंबर पे आती है बजाज पल्सर NS400Z। ये बाइक लॉन्च हुई थी May 3rd, 2024, यानी कि इस ईयर में लॉन्च हुई है। इसका प्राइस होने वाला है 1,84,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड ही आपको अराउंड पड़ेगा 2,25,000 के। इसमें हमें मिलता है 373 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वेल DOHC विद DLC कोटेड फिंगर फॉलोवर इंजन, मतलब काफी लंबा सा इंजन का नाम है इसका, क्योंकि प्रोड्यूस करता है 40 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 35 Nm ऑफ टॉर्क। मींस काफी पावरफुल इंजन ये होने वाला है, मतलब बहुत पावर से इंजन लोडेड है इस सेगमेंट में। गियरबॉक्स होने वाला है 6-speed मैनुअल। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 34 km/L। टैंक कैपेसिटी होने वाली है 12 liters। टॉप स्पीड इस बाइक की है 157 km/h। का वेट होने वाला है 174 kg। ग्राउंड क्लियरेंस होने वाला है 168 mm। इसमें भी वही अपडेट है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ने ABS आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। आपको स्टॉप ही करनी है तो आप अपना ABS स्विच ऑफ कर सकते हो। आपको ड्रिफ्ट करनी है, आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हो। तो ये इसमें ऑप्शन बहुत ही अच्छा मिलता है, और बजाज की सिर्फ न्यू बाइक्स में ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। ब्रेकिंग वही ड्यूल चैनल ABS, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इसमें हमें क्लच एंड ब्रेक का लीवर 5-step एडजस्टेबल मिलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है क्योंकि इसमें कलर TFT स्क्रीन मिलती है, जिसमें आप अपने मैसेज, कॉल्स एंड म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। राइडिंग मोड्स इसमें हमें 4 मिलते हैं, जो कि पहला है रेन, रोड, स्पोर्ट एंड ऑफ रोड। नेविगेशन इसमें टर्न बाय टर्न मिलता है। हेडलाइट इसमें हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलते हैं, जैसे कि N250 में भी वही आते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो इसमें हमें अपसाइड डाउन फ्रंट फोक मिलते हैं। रियर में मिलता है मोनोशॉक। क्विक शिफ्टर मिलता है इस बाइक में। टायर साइज होने वाला है 110/70 R17। रियर में मिलता है 140/70 R17। ओवरऑल ये बाइक N250 का एल्डर सिबलिंग है, और ये बाइक भी सेम उसी के जैसे लेटेस्ट टेक फीचर से लोडेड है। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा फीचर मिलता है, वो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। बेसिकली राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी ट्रायंप में देखी जाती थी पहले, लेकिन पल्सर में ये अगर मिल रही है 400 में, भाई ये मतलब टॉप एंड फीचर है इस बाइक का, और मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का फीचर बजाज ने दिया है अपनी इस बाइक में। मैं तुम्हें बताता हूँ राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी क्या होती है। इसमें ये होता है कि हमारी नॉर्मली बाइक्स में थ्रॉटल वायर होता है, इस बाइक में थ्रॉटल वायर नहीं होगा। यहाँ पे सेंसर होगा जो कि नीचे सिग्नल देगा और एक्सेलरेशन उससे बढ़ेगा, तो इस बाइक में ये वाला सिस्टम मिलने वाला है। यही फीचर इसका मतलब चेरी ऑन द टॉप है। तो अगर आप N250 से अबव जाना चाहते हैं तो इस बाइक में जाया जा सकता है। तो गाइस 9th नंबर पे आती है KTM ड्यूक 200। ये बाइक रिलीज हुई है अक्टूबर 2024 में। इसका प्राइस होने वाला है 1,99,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड प्राइस इसका पड़ेगा आपको अराउंड 2,27,000। और इसी बाइक का RC मॉडल जो है सेम इंजन पे, उसका आपको 20,000 एक्स्ट्रा देना होगा, यानी कि वो बाइक आपको ऑन रोड पड़ेगी 2,47,000। इसमें हमें मिलता है 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DOHC 4 वाल्व इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.67 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 19.3 Nm ऑफ टॉर्क। गियरबॉक्स मिलने वाला है 6-speed मैनुअल। माइलेज इसका मिलता है 34 km/L। टैंक कैपेसिटी होने वाली है 13.4 liter। इस बाइक की टॉप स्पीड रहेगी 142 km/h। पर वेट होने वाला है 159 kg। ग्राउंड क्लियरेंस रहेगा 155 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका हमें डिजिटल मिलता है, जो कि है 5 इंच TFT डिस्प्ले। GPS नेविगेशन मिलता है टर्न बाय टर्न। ट्रैक्शन कंट्रोल इस बाइक में आता ही नहीं है, ना ही इसमें ऑटोमेटिक ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना ही है मैनुअल। ABS इसमें हमें ऑटोमेटिक मिलता है, यानी कि ड्यूल चैनल ABS ये बाइक होने वाली है। राइडिंग मोड में सिर्फ एक मोड मिलता है, जो कि है सुपर मोटो मोड। इस मोड का फंक्शन ये है कि जब भी आप इसे एक्टिव करेंगे तो आपका रियर टायर का ABS ऑफ हो जाएगा, और ये तब काम आएगा जब आपको ड्रिफ्ट करनी हो और स्लिप करने हो, तब ये मतलब डिसेबल करके आप ये सब कर सकते हैं इससे। एक चीज इसमें लेटेस्ट मिलती है, वो है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी में वही, जैसा मैंने पहले बताया, आपको थ्रॉटल वायर नहीं मिलेगा, इसमें सेंसर लगा हुआ है थ्रॉटल के लिए। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है थ्रू KTM मोबाइल ऐप। क्विक शिफ्टर इस बाइक में नहीं मिलता है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मिलता है WP Apex USD। रियर में मिलता है WP Apex मोनोशॉक। 10-step एडजस्टेबल, मतलब सस्पेंशन बहुत अच्छा है। 10-step तक आपको एडजस्टेबिलिटी रियर सस्पेंशन की इसमें मिल रही है, और फ्रंट सस्पेंशन में मतलब काफी तकड़ा है। फ्रंट टायर इसमें मिलता है हमें 110/70 ZR17। रियर टायर मिलता है 150/60 ZR17, मतलब काफी वाइड इसका टायर है। ओवरऑल सही बाइक है, और एक चीज आप अवेयर ही होगा कि KTM का मेंटेनेंस थोड़ा हायर साइड पर होता है एज
कंपेयर टू अदर बाइक्स इन दिस सेगमेंट। परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है, लुक्स भी काफी शार्प एंड एजी लुक्स हैं इस बाइक के। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें यूएसडी फोक्स मिलते हैं। रियर सस्पेंशन भी तगड़ा है, यानी कि उसमें 10 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा सस्पेंशन है इस बाइक का। बट प्रॉब्लम एक है कि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन नहीं मिलता है, और इसी वजह से ये बाइक अगर ट्रैफिक में थोड़ी देर चल लेती है तो हीट बहुत हो जाती है। सीटिंग क्वालिटी भी थोड़ी सी स्टिफर साइड पे है, थोड़ी देर राइड करने के बाद मतलब अनकंफर्टेबल ये बाइक हो जाती है। माइलेज इसका कंपनी 35 कह तो रही है, लेकिन इसमें DOHC इंजन है, यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैमशाफ्ट, इसमें माइलेज इस बाइक का कम मिलने वाला है, जस्ट बिकॉज ये काफी पावरफुल इंजन है इस सेगमेंट में। एक चीज और कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल देना चाहिए था, कम से कम ऑटोमेटिक तो होना चाहिए था, और ऑटोमेटिक नहीं देते तो कम से कम मैनुअल होना चाहिए था। कम से कम इसे स्विच ऑन एंड ऑफ तो कर सकते थे, क्योंकि सभी इसे स्टंट के लिए नहीं लेते हैं, कुछ लोग लॉन्ग ट्रिप्स के लिए भी लेते हैं। सेम इंजन पे KTM की एक और बाइक आती है, KTM RC 200। उसका प्राइस एक्स्ट्रा है, ऑलमोस्ट सारी चीजें इंजन पावर सब कुछ सेम है। उसमें आपको 20,000 एक्स्ट्रा देना होगा इस बाइक से, वो फेयरिंग वाली बाइक होती है। 10th नंबर पे है Honda 300F Flex Fuel। ये बाइक अभी अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुई है। इसका प्राइस होने वाला है 1,70,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड इसका प्राइस पड़ेगा 1,96,000। इसमें हमें मिलता है 293.5 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन, जो कि जनरेट करता है 24.5 bhp ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 25.6 Nm ऑफ टॉर्क। गियर बॉक्स मिलने वाला है 6-स्पीड मैनुअल। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 30 km/L, बट कस्टमर ने इसका रिपोर्ट किया है 35 का माइलेज दे रही है। टॉप स्पीड इस बाइक की है 155 km/h। फ्यूल टैंक होने वाला है 14.1 लीटर का। कर्व वेट होने वाला है 153 kg। ग्राउंड क्लीयरेंस होने वाला है 177 mm। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें हमें डिजिटल मिलता है। ब्रेकिंग सिस्टम होने वाला है ड्यूल चैनल ABS। ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ABS इसमें ऑटोमेटिक मिलते हैं, मैनुअल नहीं मिलता है, जबकि मिलना चाहिए था। अभी अक्टूबर में रिलीज हुई है तो NS में तो काफी पहले आ गया था ये मैनुअल, इसमें भी होना चाहिए था आई थिंक। USB पोर्ट इसमें मिलता है। नेविगेशन इसमें मिलता है थ्रू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। राइडिंग मोड्स इसमें हमें नहीं मिलते हैं। सस्पेंशन में इसमें मिलता है हमें अपसाइड डाउन फोक्स। टायर में मिलता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर। फ्रंट टायर की बात करें तो वो होने वाला है 110/70 R17। टायर साइज की बात करें तो 150/60 R17। ओवरऑल ठीक बाइक है, अभी रिसेंटली इसी मंथ में लॉन्च हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, राइडिंग मोड्स, TFT डिस्प्ले, मैनुअल कंट्रोल ऑफ ट्रैक्शन एंड ABS इस बाइक में होना चाहिए था। डिजाइन थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, अभी भी ठीक है, लेकिन काफी मॉडर्न इसका और होना चाहिए था डिजाइन। ओवरऑल इस मंथ के भी लास्ट में ये बाइक लॉन्च हुई है, तो अभी कस्टमर फीडबैक आगे कैसा मिलता है इसका देखते हैं। फिलहाल कस्टमर के रेटिंग एंड फीडबैक से पता चला है कि रियर सस्पेंशन इसका थोड़ा सा स्टिफर साइड पे है, पावर एंड टॉर्क थोड़ा सा और होना चाहिए था इस इंजन के अकॉर्डिंगली। तो फाइनली अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो अब बात कर लेते हैं बेस्ट डील की, कि तुम्हारे लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी जिसमें सब कुछ टॉप नॉच मिले। तो गाइस, मैंने तुम्हारे लिए इन सभी बाइकों में से 3 बाइक शॉर्टलिस्ट की हैं, जो मेरे ओपिनियन में तुम्हारे लिए बेस्ट पैकेज रहेगा। अब इनमें से तुम अपने बजट के अकॉर्डिंगली चूज कर लो। इफ अगर तुम्हारा टोटल बजट है 1,70,000 से 1,80,000, तो बजाज पल्सर 250N बेस्ट पैकेज रहेगा तुम्हारे लिए। इसमें तुम्हें वो टॉप नॉच फीचर्स मिल रहे हैं जो और बाइक कंपनीज तुम्हें 2,50,000 में भी नहीं दे रही हैं। मेरे ओपिनियन में इस प्राइस पॉइंट पे तुम्हारे लिए इससे बेस्ट पैकेज हो ही नहीं सकता। बाइक नंबर 2, अगर तुम्हारा टोटल बजट है 2,00,000 से 2,10,000 ऑन रोड, तो बजाज डोमिनार 250 और बजाज RS 200 का वेट कर लो। आई थिंक दिसंबर तक इनके लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हो ही जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों बाइक में भी लेटेस्ट टेक एंड फीचर्स लोडेड होंगे। बाइक नंबर 3, इफ अगर बजट है 2,25,000 के अराउंड, तो बजाज पल्सर 400Z से तगड़ा पैकेज तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकता। जो एक बाइक से चाहिए ना तुम्हें, उसमें भर भर के मिलेगा तुम्हें। सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स से लोडेड है वो बाइक। 400 cc का मतलब मैसिव पावरफुल इंजन इस बाइक में मिल रहा है तुम्हें। ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल के मैनुअल कंट्रोल तुम्हें मिलेंगे इसमें, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी तुम्हें इस बाइक में मिल रही है। फ्यूचरिस्टिक शार्प डिजाइन है इसका। तो इन माई ओपिनियन अगर तुम 2,25,000 रुपये खर्च करना जा रहे हो ऑन रोड, तो भाई पल्सर NS 400Z से अच्छा पैकेज तुम्हारे लिए नहीं है। ओवरऑल तीनों ही बाइक अच्छी हैं, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कौन सी चूज करनी है। तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।